हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स तो आज हम फिर से आ गए हैं एक ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ जहां पर कि ज़बरदस्त मोमेंटम दिखता है इन स्टॉक्स में और आज कुछ ब्रेकआउट्स भी आए हैं और uh, हालांकि मार्केट बहुत ही नीचे था और बहुत ही वॉलीटाइल था आज का अगर आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़बरदस्त एक डिप आया है बिकॉज ऑफ द कोविड रीजनस तो आप सभी को पता है कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं चाइना में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब ब्राज़ील वगैरह में काफ़ी केसेज आ गए हैं तो इसी वजह से इंडिया में भी थोड़े से कॉशियस स्टांस यूज़ किया है गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग समीक्षा करेंगे एवरी वीक और इसी वजह से इसी को देखते हुए फिर से ज़बरदस्त एक डिप आया है मार्केट में तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा बट फिर भी मुझे लगता है कि इन इन पर्टिकुलर पांच स्टॉक्स की हम जब आज बात करेंगे उनमें अभी भी लगता है कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ हैं तो आप अगर देख रहे हैं इस तरह के स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ ज़रूर अपनी पोजिशन या अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं ये स्टॉक और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसमें पोजिशन बनाने के बारे में सोचें कल हमने बोला था कि इस शुगर स्टॉक्स तो शुगर स्टॉक्स आज टूटे हैं ज़रूर टूटे हैं बट आज की तारीख में मैंने कुछ पोजिशन एक्यूमुलेट की हैं पोनी शुगर में जैसे मैंने बताया था उसमें मैंने अपनी पोजीशन बनाई है तो एक डिस्क्लेमर मैं हर वीडियो में देता हूं जहां भी मैं पोजीशन बनाता हूँ जहाँ भी, भी मैं स्क्वेयर ऑफ करता हूँ कोशिश करता हूँ कि उसको मैं अपना सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ तो आज पोनी शुगर मैंने अपनी एक पोजिशन बनाई है और अगर आपकी भी पोजिशन हो तो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा तो बिफोर वी गेट इन टू दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड विदाउट एनी डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो सो आज का जो पहला स्टॉक है मैंने अपने uh, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पर भी बताया था आई यू एल केमिकल्स का uh, जो स्टॉक है वो मेरे रडार पर आया है क्यों आया है इस, इस रडार पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की एक ट्रेंड लाइन मैंने डाउनवर्ड uh, स्लोपिंग एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर कि ये बार बार टकरा कर वहीं से रेजिस्टेंस ले ले रहा था अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंडलाइन काफ़ी पुराने टाइम से ये चलती आ रही है जो कि है ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त 2021 से हर बार ये इसी ट्रेंडलाइन पर रेजिस्टेंस लेता था, था एक दो तीन चार तो चार और पाँच एटलीस्ट पाँच बार इसी रेजिस्टेंस को टकराकर ये वापस नीचे आया है ये पाँच बार के बाद अभी ये पिछले दो दिन में काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है और इस ट्रेंडलाइन को काफ़ी सिग्निफिकेंटली काट के ऊपर क्लोजिंग दी है हम वेट क्या करते हैं हम एक बार वेट करते हैं जब किसी भी अगर रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर सिग्निफिकेंटली क्लोज हो जाए क्लोज दे दे तभी हम उसको ब्रेकआउट मानते हैं और कल के सत्र में भी इसने इसी ट्रेंड लाइन का के ऊपर क्लोजिंग दी थी और इसी वजह से ब्रेकआउट नहीं माना गया था आज ने काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंटली ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है और एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है तीन सौ पर इसका 200 सौ डेमा भी है तो ये 200 सौ डेमा का जो रेजिस्टेंस था वो अब कन्वर्ट हो गया है, सपोर्ट में तो ये एक अच्छा लगता है मुझे चार्ट पर आई यू केमिकल का आ, शेयर अगर आप इसमें इसमें आपकी अगर ऑलरेडी कोई पोजीशन है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप की भी वॉच लिस्ट में है ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप इसमें क्या करने वाले हैं अभी इसमें क्या करेंगे अभी इसमें जो पहला रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह जो काम करेगा वो करेगा चार सौ तीस रुपये और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस इसके सामने है वो है ऑलमोस्ट चार सौ पचहत्तर रुपये तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं थ्री हंड्रेड एंड एटी वन का एंड टारगेट क्या हो जाएगा इसका टारगेट हो जाएगा 430 एंड 475 का तो आप सभी को पता है मार्केट थोड़ा वॉलीटाइल है तो तीन का स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा 75 का आर का नंबर है बहुत बढ़िया और पॉजिटिव क्रॉस ऑलरेडी हैं एम पर तो ये एक पहला स्टॉक हो जाता है इसमें मेरी कोई पोजिशन नहीं है तो मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है आप अपने वॉचलिस्ट में लगाकर uh, ज़रूर रख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टॉक ऑफ द डे सेकेंड स्टॉक है सोलारा एक्टिव का सोलारा एक्टिव मेरे रडार पर क्यों आया है सोलारा एक्टिव में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक ब्रेकआउट आने के कगार पर है ये और वो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आएगा किस लेवल पर चार सौ के आसपास अगर ये चार के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड खुल जाएगा और जो नेक्स्ट पड़ाव आपको दिखेगा वो दिखेगा पाँच सौ तक पाँच सौ इसका 200 हंड्रेड डे एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज है अगर उसको क्रॉस कर देता है तो बहुत ही अच्छा पड़ाव आपको देखने को मिल सकता है तो इसमें पोजीशन कब लेनी है इसमें पोजीशन जब ही लेनी है जब चार के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो स्टॉप लॉस उस केस में क्या हो जाएगा उस केस में स्टॉप लॉस हो जाएगा चार अगर चार के ऊपर पोजीशन लेते हैं तो और टारगेट क्या हो जाता है टारगेट हो जाता है फाइव हंड्रेड का तो ये भी बहुत अच्छा टारगेट दिखता है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और अगर आप देखेंगे तो ये आज के दिन में भी बड़ी ज़बरदस्त एक वॉल्यूम के साथ क्लोज दिया है इसने भी हालांकि ऊपर से रिट्रेस हुआ है आप ऊपर की विक ज़रूर देख रहे होंगे इस आज की कैंडल में बट फिर भी मुझे लगता है ये अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है आर एस पर भी इसमें अभी क्रॉसओवर आने ही शुरू हुए शुरू भी नहीं हुए हैं तो हो सकता है अगर कल भी ऊपर क्लोज होता है तो हो सकता है इसमें एम पर भी क्रॉस ओवर आ जाए आर का नंबर ऑलमोस्ट सिक्सटी है तो वो भी अच्छा लगता है और इसने आज जो है सारे ही मूविंग एवरेज़ के ऊपर क्लोजिंग दी है सिर्फ़ और सिर्फ अभी इसके ऊपर क्या रह गया 200 हंड्रेड डे एक्सपोरेंशल मूविंग एवरेज रह गया जो कि 548 का है 442 440 और 450 ये तीनों ही जो मूविंग एवरेजेज थे 20, 50 एंड 100 इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है आज काफ़ी सिग्निफिकेंटली और वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हुए हैं तो एक ये भी कारण है कि इसमें मुझे लगता है कि चार के ऊपर बहुत अच्छी चाल आ सकती है इसमें भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है तो आप सभी जानते हैं जो भी फार्मा के स्टॉक्स हैं फिर से फ्लेवर में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज कोविड केसेस तो ये आज का सेकेंड स्टॉक हो जाता है नाउ लेट स्टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे थर्ड स्टॉक भी इसी इंडस्ट्री से है फार्मा डायग्नोस्टिक यही सब कुछ चल रहा है तो जो चल रहा है उसी के साथ रहेंगे बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जाना है मार्केट के और ये तीसरा जो स्टॉक है वो भी है विजिया डायग्नोस्टिक्स का विजिया डायग्नोस्टिक क्यों आया है विजिया डायग्नोस्टिक का जो लेवल है जो आपको अपने ध्यान में रखना है और जिसके ऊपर ये पोजिशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं वो है कुछ सा चार सौ नब्बे चार सौ पचानवे रुपये के ऊपर चार सौ नब्बे के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, दे देता है तो बहुत ही अच्छा है हालांकि अभी भी पोजीशन बनाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो कुछ बुराई नहीं है आ, क्योंकि आज ही इसने सारे ही मूविंग एवरेज़ के ऊपर क्लोजिंग दी है चाहे वो ट्वेंटी डेमा हो फिफ्टी डेमा हो या फिर हंड्रेड डेमा हो या फिर टू हंड्रेड डेमा हो सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और बहुत ही बढ़िया है कुछ दिन पहले अभी मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट के जो सौरभ मुखर्जी है उन्होंने भी काफ़ी अपना बुलिश स्टांस शो किया था विजया डायग्नोस्टिक के ऊपर और आज भी काफ़ी अच्छा चला है आज ऑलमोस्ट बारह तेरह परसेंट चला है वॉल्यूम जबरदस्त हुई है आज भी और ये जो जमावड़ा था सारे ही मूविंग एवरेज का उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है इसमें जो नेक्स्ट पढ़ाव देखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छे पढ़ाव हैं और इसी वजह से मुझे लगता है ये पाँच तक भी जा सकता है 590 का टारगेट लेके आप इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए कुछ 450 का तो स्टॉप लॉस हो जाता है 450 एंड टारगेट हो जाता है इसमें फ़ाइव हंड्रेड तो ये जो है बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है 60 का आरएसआई नंबर है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एम पर आज के दिन क्रॉसओवर होने ही वाले हैं इनफैक्ट कल अगर ये पॉजिटिव क्लोज हुआ तो इसमें हो सकता है आपको कल के दिन पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दिख जाए तो ये आज का थर्ड स्टॉक हो जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टॉक ऑफ द डे फोर्थ स्टॉक जो है ये भी फार्मा इंडस्ट्री का है तो आप देख सकते हैं जैसे ही कुछ भी चेंज होता है हमारी स्ट्रैटी बिल्कुल मार्केट के साथ चलती है और मार्केट में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो हम उसी पर ही फोकस करते हैं और ये जो चार्ट है बाल फार्मा का चार्ट है बाल फार्मा क्यों मेरे रडार पर आया है अगर आप देखेंगे बाल फार्मा में एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन आ गया है फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम सेकंड बॉटम जो बनाया है इसने बिल्कुल यहाँ पर बॉटम बनाकर आज काफ़ी ज़बरदस्त एक उछाल दिखाया है जहाँ पर इसने ऑलमोस्ट पंद्रह का रिटर्न दिया है आज ही के दिन में पिछहत्तर का आर हो गया है इसका और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका नाइन्टी सिक्स रुपीज़ का जो हंड्रेड डीमा था वो भी इसने क्रॉस कर लिया है इस तरह के मार्केट में हंड्रेड डीमा को क्रॉस टू हंड्रेड डीमा को सॉरी टू हंड्रेड डीमा है इसका ये टू हंड्रेड डीमा को अगर कोई स्टॉक क्रॉस कर रहा है उसके काफ़ी मायने हैं सारे ही जो रेजिस्टेंसेज हैं जितने भी मूविंग एवरेज थे सब को क्रॉस करके आज सौ नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर पर क्लोजिंग दी है नाइन्टी सिक्स जो है इसका 200 हंड्रेड है, तो आप इसमें अपोजिशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो 96 का एक स्टॉप लॉस हो जाता है और इसका टारगेट क्या होगा इसका टारगेट देख लेते हैं टारगेट आएगा इसका इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा कुछ एक सौ रुपए के आसपास अच्छा खासा 20 परसेंट का रिटर्न मिल सकता है खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए ऑलमोस्ट बीस परसेंट है तो ये भी बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है मेरे को बाल फार्मा का यह आज का चौथा स्टॉक हो जाता है अगर आपको मेरी वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है डू गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू तो, तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल अभी हम लोग आज का जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो दिस इज़ आर फिफ्थ एंड द फाइनल स्टॉक ये हमारा पांचवा स्टॉक हो जाता है जाइडस लाइफ साइंसेज जाइडस लाइफ साइंस क्यों मैं बोल रहा हूँ जाइडस लाइफ साइंसेज ने एक लेवल तोड़ा था चार सौ अस्सी रुपये का ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल था फोर हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ का और उसने बाद में वापस मुड़ के इस लेवल को कभी टेस्ट नहीं किया अभी जो इसका नेक्स्ट पड़ाव था वो था चार सौ अट्ठारह रुपये चार सौ अट्ठारह के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दे दी है चार सौ अट्ठारह के ऊपर आज जो क्लोजिंग दी है उसके बाद अब जो इसका नेक्स्ट पड़ाव दिखता है 450 रुपए तक ये जा सकता है तो बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं 450 अगर ये क्रॉस कर गया इस बार अगर ये अटेम्प्ट किया और 450 को ये क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट पड़ाव जो है उसमें आपको 470 सौ के आसपास भी जाने को जाते हुए दिख जाएगा स्टॉक डेली का चार्ट है तो ये ऑलमोस्ट uh, महीना दो महीना तीन महीने के अंदर हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए चार सौ भी मेरे को कोई चार्ज चार्ज नहीं होगा बिकॉज तीन का जब से इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है तब से बहुत ही अच्छी चाल दिखा रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है बट अभी आज के सत्र में जो है इसने अपने जितने भी मूविंग एवरेजेस थे उसको क्रॉस करके बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग दी है चार सौ पर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं आज के सत्र में यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हुए हैं और इसी वजह से ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देख सकते हैं आप इसमें भी तो ये आज के पांच स्टॉक्स हो जाते हैं इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है किसी भी स्टॉक में और अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखने हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा आज की वीडियो को यहीं पर समेटते हैं विल सी यू ने द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो